नमस्कार दोस्तों और मेरे किसान भाइयों, स्वागत है हमारे चैनल में एक बार फिर से। मैं हूं आपका दोस्त विकास। दोस्तों, अगर आपके भी पशु के दूध के साथ में खून आता है दोस्तों, और उसमें मवाद आती है और जो दूध है वो रुक रुक कर आता है, तो एक थन की समस्या हो सकती है। इसे ठीक करने के लिए दोस्तों बहुत ही कारगर उपाय है, बहुत ही सरल उपाय है दोस्तों, और बहुत ही सस्ते तरीके से आप इसे बना सकते हैं। मैक्सिमम डेयरी में दोस्तों इसी चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इस उपाय के बारे में। दोस्तों, इस उपाय में सबसे पहले हमें जो है देसी खांड लेना है, लगभग आधा किलो यहाँ पर देसी खांड लेना है। दोस्तों, देसी खांड जो होता है ये गुड़ और शक्कर के बीच का होता है। दोस्तों, ये आप देख रहे हैं दोस्तों, इस तरीके से पीले रंग में होता है और ये आपको किसी भी किराने की दुकान या पंसारी की दुकान में आसानी से मिल जाएगी दोस्तों। तो इसे हमें लेना है इस उपाय में। तो चलिए दोस्तों, इसे अब बर्तन में डाल देते हैं और उसके बाद दोस्तों हमें लेना है लगभग 100 ग्राम काला जीरा। ये काला जीरा भी दोस्तों आपको किसी भी पंसारी की दुकान में आसानी से मिल जाएगा दोस्तों। तो इसे भी अब हम मिश्रण में डाल देते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, खेती किसानी और पशुपालन से जुड़ी जानकारी के लिए, और नोटिफिकेशन बेल को दबाएं, साथ ही ऑल को दबाएं, ताकि सभी जानकारी आप तक पहुँच सके सबसे पहले। और इसके बाद दोस्तों हमें लेना है लगभग 100 ग्राम मीठा सोडा। मीठा सोडा जो होता है दोस्तों, ये पशुओं के थन से संबंधित जो भी समस्या होती है उसमें अच्छा कार्य करता है दोस्तों, इसलिए जो है इसका इस्तेमाल करना है। और इसे भी हम इस मिश्रण में डाल देते हैं। और उसके बाद दोस्तों हमें लेना है लगभग 300 ग्राम नींबू लेना है दोस्तों, और नींबू के रस को हमें जो है अच्छे तरीके से निचोड़ लेना है दोस्तों। पूरे 300 ग्राम जो नींबू है उसका रस हमें निकालना है दोस्तों, और इस रस का इस्तेमाल करना है। तो चलिए दोस्तों इसे भी हम मिश्रण में डाल देते हैं, और इसे डालने के बाद दोस्तों अच्छे तरीके से मिलाएंगे, जिससे एक अच्छा मिश्रण तैयार हो जाएगा। दोस्तों, इसे देने का तरीका ऐसा है कि जब भी आपको लगे कि आपके पशु के थन में से जो है खून आ रहा है या फिर छेचड़े आ रहे हैं, तो उस स्थिति में जो है इसे तुरंत अपने पशु को दे दें। और उसके बाद रोजाना आपको जो है 3 से 4 दिनों तक शाम को अपने पशु को एक टाइम देना है, जिससे उसके थन से संबंधित जो भी समस्या होगी दोस्तों वो ठीक हो जाएगी। तो ये थी जानकारी दोस्तों आज के वीडियो में, और ऐसी जानकारी और भी चाहते हैं आप तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं दोस्तों, ताकि आने वाली जानकारी आप तक पहुंच सके सबसे पहले। तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, थैंक यू।